जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय जिनेंद्र, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे पूजनीय जैन साधु एवं साध्वी भगवंतों के दंड स्नान की विधि शास्त्रों में किस प्रकार से बताई गई है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में दंड स्नान से संबंधित अद्भुत रहस्य बताए गए हैं जो आपको संभवतः पहले नहीं पता होंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारे जैन साधु एवं साध्विया जी अकारण अर्थात बिना किसी प्रयोजन के स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि स्नान से जल कायिक जीवों की हिंसा एवं विराधना होती है। हमारे साधु एवं साध्वी भगवंत सदैव ही संयम रूपी सरोवर में भक्ति पूर्वक आंतरिक स्नान करते ही रहते हैं। वह हम मनुष्यों की भांति स्नान करने हेतु अनेकों लीटर जल का दुरुपयोग नहीं करते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही परंपराओं के साधु एवं साध्वी भगवंतों हेतु किसी विशेष कारण होने पर किया जाता है, वह भी सीमित मात्रा में मर्यादित जल द्वारा किया जाता है। मित्रों, हमारे पूजनीय साधु एवं साध्वी भगवंतों हेतु बाह्य जल स्नान करना शास्त्रों में प्रधान नहीं माना गया है। श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही पंथों के हमारे साधु एवं साध्वी भगवंतों को यदि किसी कारणवश स्नान करना पड़ जाए तो वह गुरु भगवंतों से प्रायश्चित भी लेते हैं। दिगंबर जैन परंपरा में दंड स्नान का विवरण शास्त्रों में बताया गया है। दिगंबर शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक जैन मुनि एवं साध्वी भगवंतों का अस्नान व्रत अर्थात स्नान करना, उबटन लगाना आदि शरीर के संस्कारों का त्याग करना स्नान व्रत माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि धूलि से दूषित मलिन शरीर धारी मुनि कर्म मल को धो डालते हैं। मित्रों, अब देख लेते हैं कि दिगंबर जैन साधु एवं साध्वी माता जी दंड स्नान कब और कैसे करते हैं। यदि कोई चांडाल अथवा अस्पृश्य जन व्यक्ति स्पर्श कर ले हड्डी, चर्म, विष्ठा, मल आदि का स्पर्श हो जाए तो वह मुनि अथवा आरिका माता जी दंड स्नान करके गुरु से प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। मित्रों, दंड स्नान करने की विधि शास्त्रों में इस प्रकार से बताई गई है, जैसे गृहस्थ स्नान करते हैं वैसे स्नान करने का साधु एवं साध्वी भगवंतों का त्याग होता है, क्योंकि मुनि एवं माता जी गृहस्थ की भांति जल कायिक जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। दंड स्नान करने हेतु मुनि अपने कमंडल से कमंडल के मर्यादित प्रासुक जल से मंत्र पढ़कर मस्तक पर जल की धारा मात्र देते हैं और उस दिन उपवास करते हैं। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को शेयर कर हमारे साधु एवं साध्वी भगवंतों की अनुमोदना कीजिए। जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूले।